हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हीमा। अभी सुबह के 6:30 बजे हैं। अभी मैं किचन की थोड़ी सी काम निपटा कर आई हूँ छत पे। आज मुझे छत भी क्लीन करनी थी। रोज़ तो क्लीन नहीं करती हूँ, लेकिन महीने में एक बार कर ही लेती हूँ, क्योंकि हर शाम को हम सब छत पे आके बैठते हैं और बच्चे भी थोड़ा खेलते हैं। मेरा बेटा भी आ गया मुझे हेल्प करने के लिए। देखो कितनी धूल मिट्टी निकाली मैंने। इसको सफाई करते करते मेरी तो कमर ही दुख गई। मेरी सारी छत की सफाई हो चुकी है। मेरे छत पे मैंने थोड़ी सी प्लांट भी रखी है और ये देखिए सब क्लीन हो चुकी है मेरी। अब मैं चली जाऊंगी नीचे। एक छोटा सा मेरा गार्डन है, उसको भी क्लीन करनी है। मैं अभी मेरे गार्डन का भी सफाई कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो प्लांट है, पेड़ है, उसका पत्ते गिरता रहता है, बहुत ज़्यादा पत्ते हो जाते हैं। मेरी गार्डन में तो बहुत सारे प्लांट, पेड़ तो है नहीं, थोड़ा सा ही है। एक पपीता का पेड़ भी है और एक हिबिस्कस का प्लांट है। उसमें जो फूल होता है, उस फूल से हम लोग पूजा करते हैं। और हिबिस्कस के एकदम पास में एक मेरा लेमन की प्लांट है, एक लेमन भी लगी है पेड़ में। और मेरे इसमें है एक अशोक का फूल का प्लांट, ये बहुत पुराना है, अभी भी फूल बहुत सारे पकड़ते हैं। यहाँ पे तुलसी का प्लांट भी है। ये है एक नीम की प्लांट। और इसके पास में ही है मेरा एक कड़ी पत्ता का प्लांट। हम कड़ी पत्ता बहुत यूज़ करते हैं खाने में। जब भी मन करता है तब भी तोड़ के लेके खाना बनाते हैं। मेरी गार्डन की सफाई तो मेरी हो चुकी है अभी। ये भी एक फूल का ही प्लांट है, अभी हमने इसको छोटे से काट। मेरा नहाना हो चुका था और आटा भी गूंद ली है मैंने। मेरा चाय भी हो चुकी थी। अब मैं बनाऊंगी रोटी, सुबह का नाश्ता रोटी। और मैं बनाऊंगी आज छोले की सब्ज़ी। मैं पिछले वीडियो में दिखाया था एक रोटी मेकर ख़रीद के लाई हूँ, उसमें ही मैं आज पहली बार रोटी बनाने जा रही हूँ। मैं साइड पे छोले भी बना रही थी। मेरी रोटी मेकर में बहुत अच्छी तरह से रोटियां बन रही थी, फुला फुला, आप भी देख सकते हो। और मेरा रोटी और सब्जी बनाना रेडी है। अब मैं सर्व करूँगी। मैं 2 प्लेट ही अब मैं सर्व कर रही हूँ मेरे बेटी के लिए और बेटा के लिए। इन दोनों को टिफ़िन करा के मैं थोड़ा उसको होमवर्क करने के लिए बैठाऊंगी और बाद में आज लंच बनाऊंगी। मेरा बेटा भी चेयर पे बैठा है, लेकिन कैमरे के सामने आ नहीं सकते, उसको बहुत शर्म आते हैं। अभी उसको खिलाऊंगी मैं। और आज का वीडियो इतना ही।
आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।